जबलपुर में एसटीएफ की टीम ने छापा मार कर होम साइंस कॉलेज रोड में रहने वाले आदित्य शराब नामक युवक को गिरफ्तार किया है। दिल्ली एसटीएफ ने मिली सूचना के आधार पर युवक को गिरफ्तार किया है। आदित्य नाम का यह युवक ऑनलाइन शॉपिंग करने वाली एक वेबसाइट चलाता था। इस वेबसाइट में वन्य प्राणियों की हत्या से जुड़ी अंग, शंख और चंदन की लकड़ियां बेचने की तस्वीरें हैं, जिन्हें अपलोड किया गया था और उन्हें ऑनलाइन बेचा करता था। एसटीएफ को मिली जानकारी के बाद यहां छापामार कार्यवाही की गई, जहां एसटीएफ को 11 संग नोहाटा, जोड़ी 40 गोल संग व 12 चंदन की लकड़ी के डिब्बे सहित अन्य चीजें बरामद हुई हैं। बहरहाल एसटीएफ ने आदित्य को गिरफ्तार कर उसकी वेबसाइट को बैन कर दिया है। वहीं गिरफ्त में आए आरोपी आदित्य ने कहा कि वह वेबसाइट महज जानकारी लोगों तक पहुंचाने और असली नकली की पहचान कराने के लिए चलाता था और यह सामान उसी के उपयोग में आता था। दूसरी बात ये कि मैं इसमें वीडियो ये बना रहा था इसकी यूट्यूब में कि ये चीज़ें ऐसी दिखती हैं, फलाना शंख ऐसा दिखता है, ये लकड़ी ऐसी दिखती है। इसमें कहीं भी मैं व्यापारी काम नहीं कर रहा था कि इतने का है मेरे से ले लो, ऐसा कुछ भी मैं नहीं कर रहा था ऑनलाइन। और अचानक टीम को यूट्यूब में कुछ कार्रवाई चल रही यूट्यूब में, उसके तहत एसटीएफ की टीम और वन विभाग की टीम आई और मैंने खुद उनको कोऑपरेट करा। मैंने बोला कि आप ले जाओ, शंख ले गए हैं जो अपने आप पांचजन्य शंख कहलाते हैं और मोती शंख हैं और हवन सामग्री है, जो हवन लकड़ी जलती है यज्ञ में वो वाली लकड़ी है पांच चट में, ये सब मिला के 10-12 हज़ार से तक की कीमत की नहीं है जो मैंने खरीदा। कितना नहीं मालूम, मैं नहीं बेचा कभी सर। आप कहाँ से लेते हो? मैं कुछ भेड़ाघाट में जो लोग बेच रहे हैं धुआंधार के पास, वहाँ पर व्यापारी भी होते हैं, बहुत से लोग बेचने वाले भी रहते हैं, वहाँ मेले लगते हैं, वहीं से खरीदते हैं। नहीं सीप नहीं है, मतलब सीप नहीं है। हाँ, ये बहुत से व्यापारी आते थे, पीछे पड़ते थे कि आप ले लो ले लो ले लो, तो हमने कभी भी इसका व्यापार नहीं करा। हमने उनसे लेकर रख लिया मगर हमने कभी इसका व्यापार नहीं किया। और कभी कोई श्रद्धालु आते थे तो श्रद्धालुओं को हमने लकड़ी ये सब चीज़ें, पंडित जो हमारे नेपटाउन में है इलाके में आते हैं, उनको हमने यूं ही ऐसी दे दी कि आपके लिए, वो जो हमसे लेके जाते थे हवन की लकड़ी, वो लकड़ी को इनने चंदन बोल के कर लिया, उसमें साफ साफ लिखा हवन समीदा। और यह था कि आप जो है एसटीएफ और डब्ल्यूसीसी के द्वारा जो हमको सूचना दिया गया था कि क्या आदित्य शराब नामक व्यक्ति के यहाँ जो है कुछ वन प्राणी से संबंधित सामग्री की सूचना है, आप जो है इसमें सहयोग करें, तो हम जो है उनके साथ में जाके है अपना MLB स्कूल के पास में आदित्य शराब के मकान में जो है सर्च वारंट के साथ तलाशी लिए हैं। और तलाशी के दौरान जो है उसमें कुछ शंख बरामद हुए हैं और कुछ एक हत्था जोड़ी टाइप का है नमूना के, और एक हम समान में उससे कहें कि चंदन की लकड़ी है, लेकिन चंदन की लकड़ी में सेंट वगैरह होता है, तो उसके जांच करेंगे हम वास्तव में चंदन की लकड़ी है कि नहीं, और ये जांच हो जाने के बाद ही हम जो है जांच के लिए कार्रवाई के लिए जो है उसको अपने क्या कहते हैं अभियुक्त कहना चाहिए आदित्य शराब को अपने अभिरक्षा में लेके और पूछताछ की जा रही है, आगे की विवेचना करेंगे उसके बाद प्रकरण कर। कितनी मात्रा में मिला है सर ये जो सीफ है वो छोटे बड़े मिला के जो है 51 नग है और 8 नग वो हत्था जोड़ी है और ये 12 छोटे छोटे डिब्बों में जो है वो लकड़ी के पीस टाइप के हैं, उनकी विवेचना कर रहे हैं, जांच करना है, उसकी पुष्टि हो जाती है कि ये हाँ वन अपराध है तो उसकी जांच कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं, अब जो है अभिरक्षा में लेकर बयान हो जाते हैं। पोस्टर न्यूज़ के लिए रोहित नायर की रिपोर्ट।